हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मुझ में कूड़े खाने की ताकत नहीं है, ताहम मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हर उस मसले पर जो मैंने अपनी राय से बयान किया हो, हर एक को कोड़ा मारा जाए। खबरदार किसी ऐसे मसले में सुखनदराजी ना करने लगना जिसमें तुम्हारा कोई इमाम और रहबर ना हो। अगर लोग तुम में ऐसी सिफात बयान करें जो तुम में नहीं, तो मगरूर मत होना, क्योंकि जाहिलों के कहने से ठीकरी सोना नहीं बन सकती। जिस तरह बारिश खुश्क ज़मीन को ज़िंदा करती है, इसी तरह सोबते उल्मा से दिल ज़िंदा होता है। अक्ल अदब के साथ ऐसी है जैसा कि दरख्त समर के साथ, और अक्ल बगैर अदब ऐसी है जैसा कि दरख्त बेबर। कहते हैं कि हकीम लुकमान के पास अक्ल आई तो उन्होंने पूछा, तू कौन है और कहाँ रहती है? अक्ल ने कहा, मैं अक्ल हूँ और इंसान के सर में रहती हूँ। फिर शर्म आई तो हकीम लुकमान ने उससे पूछा, तू कौन है और कहाँ रहती है? उसने जवाब दिया, मैं शर्म हूँ और आँख में रहती हूँ। इस तरह मोहब्बत आई तो उससे भी हकीम लुकमान ने पूछा, तू कौन है और कहाँ रहती है? उसने जवाब दिया, मैं मोहब्बत हूँ और इंसान का दिल मेरा मस्कन है। तकदीर आई तो उससे भी पूछा गया कि तू कौन है और कहाँ रहती है? तकदीर कहने लगी, मैं तकदीर हूँ और इंसान के सर में रहती हूँ। हकीम लुकमान ने कहा, वो तो अक्ल का नशेमन है। अक्ल बोली, जब तकदीर आती है तो मैं रुखसत हो जाती हूँ। अब इश्क आया, उससे दरियाफ्त किया गया, तू कौन है और कहाँ रहता है? जवाब मिला, मैं इश्क हूँ और इंसान की आँख में रहता हूँ। हकीम लुकमान ने कहा, वहाँ तो शर्म रहती है। उसने जवाब दिया, जब इश्क आता है तो शर्म चली जाती है। आखिर में लालच आई तो उससे भी पूछा गया, तू कौन है और कहाँ रहता है? जवाब दिया, मैं लालच हूँ और इंसान के दिल में रहता हूँ। हकीम लुकमान ने कहा, इस जगह तो मोहब्बत रहती है। तो लालच ने जवाब दिया, जब मैं आता हूँ तो मोहब्बत चली जाती है। जो बात दुश्मन से पोशीदा रखना चाहते हो, वो बात दोस्त से भी पोशीदा रखो। हो सकता है कभी वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए। जिस नेमत में शुक्र है उसको जवाल नहीं, और जिस नेमत में कुफर है उसको बका नहीं है। नफ्स की दोस्तगी में मसरूफ रहो, इससे सिफात बद के बजाय सिफात नेक पैदा होंगी। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी सही उम्मीदें जोड़ लेता है। अक्लमंद को अपने घर में बच्चे की तरह और अपनी कौम में मर्द की तरह रहना चाहिए। हकीम लुकमान की अपने बेटे को नसीहत, इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना, जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना, किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को काबू में रखना, किसी महफिल में बैठो तो अपनी ज़बान को काबू में रखना, अल्लाह और मौत को हमेशा याद रखना, अपनी नेकियों को और दूसरों की बुराइयों को भुला देना। दौलत तकसीम की जाए तो कम होती है, इल्म बांटा जाए तो बढ़ जाता है। बचपन का इल्म पत्थर की लकीर होता है। बुरे दोस्तों से बचो, क्योंकि वो तुम्हारा तारुफ बन जाते हैं। औरतों और बच्चों से राज ना कहो, और किसी चीज़ में तमा और लालच मत करो। जब हलकत के पास जाओ तो ज़ुबान की नेकदाश करो। मुसाइब से मत घबराओ, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। हिकमत और दानाई मुफलस को बादशाह बना देती है। वक्त की अगर कीमत है तो वो उसका सही इस्तेमाल है। जिद्दोजहद ना करना मोहताजी का बाइस है, और मोहताजी दीन को तंग, अक्ल को ज़ईफ और मरवत को ज़ायल कर देती है। सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों में खूबी तलाश करे और अपनी खूबियों को नज़रअंदाज करे। जब किसी बंदे के दोस्त मर जाते हैं तो ऐसा बंदा नकारा हो जाता है। जहाँ तक हो सके लोगों से दूर रह, ताकि तेरा दिल सलामत और नफ्स पाकीज़ा रहे। खुदा की मार्फत हासिल करो और उसे अच्छी तरह पहचानो। जो बात किसी से कहो उस पर खुद भी अमल करो।
मौके से बोलो और मुनासिब गुफ्तगू के लिए लब कुशाई करो। हर किस्म और हर तबके के लिए लोगों को पहचानो और उनके साथ मुनासिब बर्ताव करो। दोस्तों का इम्तिहान फ़ायदा और नुकसान दोनों हालतों में करो। जिस तरह तू बुराई को नापसंद करता है, इसी तरह अपने आप को हमेशा मदा सराई से भी बचाए रख। गैर महरम औरत से कुछ सुनना, ख्वाह वो पर्दे में हो या सामने, वो आज़ाद हो या बांधी, हर सूरत में नाजायज़ है। दनाओं के मशवरे और जहानत नफ्स की पायदारी और बसीरत की कुव्वत है। लिहाजा इरादा करने से पहले सोच, काम करने से पहले गौर व फिक्र कर और कबल अज़ वक्त मशवरा हासिल कर। रुपया पैसा बिच्छू हैं, अगर तुम्हें इसके कार्ड का मंत्र ना आता हो तो उसे हाथ ना लगा। अगर इसने तुझे डंग मार दिया तो उसका जहर तुझे हलाक कर देगा। मोहब्बत खुदा की अमानत है, जो मोहब्बत किसी इवज पर हो तो उस वक्त ज़ाहिर हो जाती है जब इवज उठ जाए। अपने नफ्स को किसी ऐसे काम में मसरूफ रख जो करने के लायक हो, वरना वो तुझे ऐसे काम में मशगूल कर देगा जो तुम्हें खसारा देगा। नाफहम औरतों पर भरोसा मत करो। हर शख्स को उसके हुनर और जौहर के मुताबिक जगह देनी चाहिए। ज़्यादा सुनो और कम बोलो। मौत को हर वक्त पेश नज़र रखो और मुसाहिबे दुनिया को सहल ख्याल करो। कमीनों के मुकाबले में खामोश रहा करो। जाहिर लोगों से कम मिलो, वरना वो तुझे भी जाहिर बना देंगे। जो बात तुम नहीं जानते मुंह से ना कहो, और जो जानते हो उसे मुस्तहिक को बताने में दरेग ना करो। अगर कोई काम किसी के सुपुर्द करे तो दना के सुपुर्द कर, अगर दना मयसर ना हो तो खुद कर, वरना तर्क कर दे। लालच मत कर और जितना अल्लाह ने दिया है उस पर काने रहो। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो। खुदा के वास्ते जो काम करो उसमें बंदू का खौफ ना करो। मोहब्बत नाम है रादू को ख़त्म कर देने का, तमाम सिफतों और आजदों को मुर्दा कर देने का, और अपने वजूद को अरशादात के समुंदर में गर्क कर देने का। फ़कीर वो नहीं जो माल व मता से खाली हो, फ़कीर वो है जिसका दिल ख्वाहिशात बातिल और लाल से खाली हो। रिज़्क़ की तंगी है तो घर में आमला बेड़ की अड्डी लाकर रख दीजिए, रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा। नफ्स को मबा चीज़ों की ख्वाहिश से रोक ले, वरना दुनिया इसकी जन्नत बन जाएगी और मौत इस पर दुश्वार हो जाएगी। बहुत रोया करो, हंसा मत करो। बहुत खुश रहो और बात ना किया करो। बहुत कम खाओ और बहुत जागा करो, सोया कम करो। बदनीयत सोबत से बचो, कि उनकी सोबत से सिवाय रंज के कुछ हासिल नहीं होगा।